जितना आपने मान दिया इतनी मेरी औकात नहीं जितना आपने मान दिया इतनी मेरी औकात नहीं तुमने बना दिया तुमने बना दिया तुमने बना दिया तुमने बना दिया मैं तो एक कंकड़ था आपके प्यार ने मुझे आसमान पे बिठा दिया आप सबको इस बारहवीं वर्ष कांठ पर बहुत बहुत बधाई हो बहुत बहुत बधाई हो मुझे आज भी याद है आज से 12 साल पहले मैं संजीव हमारे सरबजीत सुमित और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर साथी हमने मिलकर यह कंपनी एक छोटे से ऑफिस से शुरू की थी ऑफिस छोटा था मगर इरादे बड़े थे खाब बड़े थे सपने बड़े थे और वो कारवा जो शुरू हुआ तो आज पूरे भारत में इस बारहवीं वर्षगांठ को मनाने के लिए एक भी ऐसा स्टेडियम नहीं मिला जहां हम अपने परिवार के हर सदस्य को बुला पाते और इस फंक्शन को मना पाते कंपनी जिसका एक एक डिस्ट्रीब्यूटर ईमानदारी ऊंचे चरित्र ऊंचे आदर्शों का मालिक होगा एक ऐसी कंपनी जिसके प्रोडक्ट की क्वालिटी का दावा हर गली में हर व्यक्ति करेगा एक ऐसी कंपनी जिसका एक एक डिस्ट्रीब्यूटर आग के समान आग के समान पवित्र होगा एक ऐसी कंपनी जहां पे लीडर्स का विकास होगा एक ऐसी कंपनी जो जिसका हर डिस्ट्रीब्यूटर संवेदनशील होगा एक ऐसी कंपनी जिसका हर डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप में एक कंप्लीट लीडर होगा जो समाज के प्रति जागरूक होगा जो लोगों के लिए संवेदनशील होगा जहां पे लोगों का जीवन बदलेगा मेरा यह खाब है और मैं चाहता हूं आप सबका खाब मेरे खाब में मिल जाए केटन बनाएं, एक ऐसी फैक्ट्री बनाएं जहां जिंदगियां बनती हो दोस्तों जहां लोगों का जीवन बदलता हो खाली पैसा कमाने की जगह नहीं होनी चाहिए जहां जीवन बदलना चाहिए जो व्यक्ति इस पावन भूमि पे कदम रख दे उसका जीवन बदल जाए ऐसा ऐसा संग, संगठन हमें ग्लेश को बनाना है आने वाले वर्षों में भविष्य देखेगा कि ग्लेश एक ऐसा उद्गम बनेगा जिसका पूरे विश्व में कोई सानी नहीं होगा पूरे विश्व में कोई सानी नहीं होगा लेकिन ऐसा, लेकिन ऐसा कब होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये सपने कैसे पूरे होंगे उसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं उसके लिए तैयार हूं क्या आप तैयार हैं अभी थोड़ी देर पहले इस स्टेज के ऊपर बहुत सारे माननीय अतिथि आए हुए थे जिन्होंने बोला था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया का नारा दिया है मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अभी हम भारत भूमि पे हैं अभी हम विश्व की ओर भी रुख करेंगे आने वाला वक्त इस बात का गवाह बनेगा कि हम उन जगहों पे जाके ग्लेस का परचम लहराएंगे जहां से नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग आई है हम उन्हें सिखाएंगे काम कैसे होता है लेकिन अपने बारे में कोई गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए जब इतना बड़ा सपना है तो उसके लिए खुद को तराशने की जरूरत है हमें तैयार होना होगा अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए हमें खुद को और विकसित करना होगा हमें अपने आप को प्रोफेशनल बनाना होगा अपने ऊपर काम करना होगा आप में बैठे एक एक व्यक्ति को इस बात के लिए तैयार रह रहना होगा कि मुझे आने वाले वक्त के ऊपर ताज रखने के लिए अपने आप को बदलने के लिए तैयार रखना होगा आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं त्यार। क्या आप उस सुनहरे भविष्य के लिए खुद को बदलने के लिए तैयार हैं त्यार। अगर आप तैयार हैं तो आज इस वक्त इसी स्टेज पर मैं आपसे वादा करता हूं कि सपने को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता मैं आज आपको कुछ सिखाने के लिए आया हूं और जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं उसके लिए आज मैं पहली बार ग्लेज में खुद की शेयरिंग करूंगा yeah. मैं अपनी शेयरिंग करूंगा मैं आपको अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर बना था और मैं कैसे लाइफ में आगे बढ़ा उसकी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में मोहल्ला जाफर नवाज में हुआ था मैं एक गरीब परिवार से था पैसों की तंगी का ये आलम था कि जब मैं सहारनपुर में दसवीं पास की तो हमारा पूरा परिवार सहारनपुर से दिल्ली आ गया मेरे दो भाई हैं और दो बहनें हैं कुल परिवार में हम सात लोग हैं दिल्ली में एक एरिया है ख्याला उस ख्याला में एक मोहल्ला है विष्णु गार्डन उसमें एक कमरे के मकान में हम सात लोग किराए पे रहते थे और उस समय किराया था सात सौ रुपये मैंने दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल से एलेवंथ एंड ट्वेल्थ किया फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी एस ऑनर फिज़िक्स किया लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मुझको ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था मैं अपनी लाइफ में हर बात के लिए अपनी लाइफ में जब भी आगे बढ़ना चाहता था तो हर बात के लिए मैं पैसों की वजह से रुक जाता था मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था तो मेरे फादर ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास फीस के लिए पैसे नहीं हैं मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए ट्यूशन पढ़ानी पड़ती थी जिस गली में मैं रहता था मुझे आज भी याद है मैं एम फाइनल ईयर में था और मैंने अपनी एम छोड़ दी थी क्योंकि मुझे ट्यूशन पढ़ाने के बाद अपनी पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता था मेरी गली में ही मेरा एक दोस्त रहता था बहुत प्यारा दोस्त बहुत अच्छा दोस्त था एक दिन वो बहुत एक्साइटमेंट में मेरे पास आया कि चेतन तो हमेशा कहता कि कुछ काम बता पैसे कमाने हैं पैसे कमाने हैं एक बहुत शानदार काम आया एक बहुत अच्छी कंपनी आई है तो मेरे साथ चल हम मिल के वहाँ पर बिजनेस करेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे मैंने उससे पूछा भाई क्या काम है ये तो बता कहता वो नहीं बताऊंगा तो मेरे साथ चल मेरे बड़े भैया भी वहाँ पे कर रहे हैं वहां चल के करेंगे मैंने काफ़ी पूछा मगर उसने नहीं बताया फाइनली मैं उसके साथ गया मैंने बिजनेस प्रेजेंटेशन देखी बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने के बाद मैं सुपर डुपर पॉजिटिव था मुझे ऐसे लगा कि जैसे अंधेरे में कोई हल्की सी रोशनी मिल गई मैं इतना एक्साइटेड था इतना एक्साइटेड मुझे लगा यह काम मेरे लिए बना है मैं इसको करके दिनों दिन रातों रात सक्सेसफुल हो जाऊंगा मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे अरेंज किए और प्रेस पैसे अरेंज करके ज्वाइन कर लिया बिजनेस शुरू किया और ये बात जानते हो कब की है 1999 की 98-99, नाइन्टी उन्नीस तब नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं थे उसके बाद क्या हुआ जैसे ही मैं बिजनेस प्रेजेंटेशन देख के बाहर आया मैंने पैसे इकट्ठे किए ज्वाइन किया ज्वाइन करने के बाद मैं बहुत एक्साइटेड था मेरी अपलाइन मेरे दोस्त ने मुझे बहुत कुछ समझाने की कोशिश की जो हम भी समझाते हैं जैसे कि बाहर इस बिजनेस को एक्सप्लेन मत करना मेरे को रिजेक्शन के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश की मुझे बोला लिस्ट बनवा लो एजुकेशन ले लो ट्रेनिंग ले लो प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले लो अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो वो मुझे सब कुछ बोल रहा था और मैं एक कान से सुनता था और दूसरे कान से निकाल देता था जानते हो क्यों क्योंकि मेरा दोस्त मुझसे कम पढ़ा लिखा था मुझे लगता था ये क्या मुझे बताएगा मुझे बिजनेस अच्छे से समझ में आ गया मैं बस ये ऐसे ऐसे देखो सक्सेस ले लूंगा लिस्ट लिस्ट क्या करनी है बना के आई नो किन लोगों को बुलाना है करना क्या है सिर्फ लोग ही तो बुलाने हैं और उनको बिजनेस दिखाना है वो प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे बस चल गई गंगा मेरी हालत उस समय उस बच्चे की तरह थी जो बहुत एक्साइटेड बहुत उत्तेजित और वो सड़क पार करना चाहता है उसको सड़क का ट्रैफिक नहीं दिख रहा है बस उसे पार जाना है मेरी ये हालत थी उसने मुझे बहुत समझाया मगर मैंने वो सारी गलतियां की जो एक नया डिस्ट्रीब्यूटर करता है और उसका अंजाम ये हुआ कि मैंने 40 गेस्ट कितने बोले मैंने 40 गेस्ट इंट्रोड्यूस किए और उसमें से एक भी व्यक्ति ने मेरे साथ बिजनेस शुरू नहीं किया 40 गेस्ट में से एक भी व्यक्ति ने बिजनेस शुरू नहीं किया और अब आप सब लीडर्स बैठे हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना रिजेक्शन मुझको मिला होगा समझ सकते हैं वो रिजेक्शन इतना भयंकर था जब 40 गेस्ट मैंने हिम्मत मार ली सब कर लिया हर तरह से जो भी एंगल देता था कर लिया तो मैंने फिर एक कंक्लूजन लिखा वो कंक्लूजन ये था कि ये बिजनेस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो भाग्यशाली होते हैं ये बिजनेस में भगवान जिनका साथ देता है उनके कुछ गेस्ट क्लिक कर जाते हैं और वो अचानक चल जाते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं मैं वो भाग्यशाली नहीं हूँ इसलिए मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए और मैंने उस दिन ये तय कर लिया कि मैं अब ये काम नहीं करूँगा भलाओ मेरी अपलाइन का जब मैंने जब मैं घर बैठ गया तो वो एक दिन मेरे घर आया और उसने मुझे सिर्फ एक बात बोली कि मैंने तुझे कहा एजुकेशन करने चला जा तू नहीं गया मैंने तुझे बोला ट्रेनिंग कर ले तूने नहीं की मैंने तुझे कहा लिस्ट बना ले तूने नहीं बनाई तूने अपने मन की की ये बिजनेस छोड़ने की ऑप्शन तेरे पास हमेशा खुली है कोई नहीं रोक सकता लेकिन एक बार मेरे कहने पे वो सब कर ले जो मैं कहता हूं उसके बाद अगर सक्सेस ना मिले तो छोड़ देना मुझे उसकी बात थोड़ी लॉजिकल लगी मैंने कहा बोल कहां चलना है उस दिन वो मुझको मेरा हाथ पकड़कर एक मीटिंग में लेके गया वो मीटिंग हमारी ईडी अपलाइन के घर में एक मीटिंग थी जो वहां रोज होती थी वहां लगभग पंद्रह सोलह लोग थे मुझे आज भी याद है क्योंकि वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था जब मैं उस मीटिंग में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पंद्रह सोलह लोग हैं और सबके सब एनर्जेटिक एक्साइटेड मोटिवेटेड सब में मानो आग भरी हुई है पॉजिटिव ऊर्जा वो एक ऐसा माहौल था जो मैंने अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं था वहां पे पीडी भी थे वहाँ सीडी भी थे मेरे जैसे उस दिन वहां पे दो पीढ़ी का प्रमोशन हुआ था वो दोनों पीढ़ी अपने अनुभव शेयर कर रहे थे मैंने क्या कह के लोगों को बुलाया किस तरह से उन्होंने ज्वाइन किया और जो लोग ज्वाइन किए थे वो भी वहां पे थे जब मैंने वो सारे अनुभव सुने तो मेरे में एक नई ऊर्जा आई उस दिन वहाँ पे हमारी एस डी भी अपना लेक्चर देने आई हुई थी उस दिन मुझे 16 नए दोस्त मिले उन 16 लोगों ने मेरा इतना अच्छा वेलकम किया मुझे लगा ही नहीं मुझे लगा मैं इनको बरसों से जानता हूँ इतना प्यार मिला इतनी ऊर्जा मिली वो हर कोई मुझे अपने तरह से सिखाने की कोशिश कर रहा था क्या हुआ कोई बात नहीं ये गलती रह गई वो गलती रह गई उसके बाद मैं लगातार पाँच छः दिन उस जगह पर अपनी अपलाइन के साथ गया वहाँ पे सबसे पहले हमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी गई एक एक प्रोडक्ट के बारे में सिखाया गया पहली बार मैं समझा कि हमारे प्रोडक्ट में कितनी जान है मुझे अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस आया दूसरी शिक्षा हमें दी गई कि अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो उसके बाद वहीं पर बिठाकर एक वर्कशॉप हुई जिसमें मेरी लिस्ट बनवाई गई पहली बार मैं समझा कि मेरी लिस्ट में पाँच छः सौ लोग हैं उससे पहले मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे लग रहा था मेरी लिस्ट खत्म हो गई वहीं बैठकर हाउ टू सेल वहीं पर जीआईजी काउंसलिंग की ट्रेनिंग और सबसे अच्छी चीज जो वहाँ होती थी हर बात के लिए सब लोग अपने अनुभव शेयर करते थे जो पीडी बना था वो बताता था मैंने कैसे अप्रोच किया जो पीडी बना था वो बताता था कि मेरी रिटेल शॉप कैसे चलती है मैं कैसे लोगों को प्रोडक्ट बेचता हूं वहां लोग अपने अनुभव शेयर करते थे कि मैंने काउंसलिंग की गेस्ट के ये सवाल थे और उनके मैंने ये आंसर दिए हर बात के लिए वहां अनुभव शेयर किए जाते थे हमारी ईडी अपलाइन ने पूरा एक पेपर तैयार किया हुआ था जिसमें उसने गेस्ट और कस्टमर द्वारा पूछे गए संभावित प्रश्न और उत्तर दोनों लिखे हुए थे जो वो अपने तरीके से वहां पे रोल मॉडलिंग करके सिखाते थे मुश्किल से सात या आठ दिन में मुझे एक एक बात समझ में आ गई कि मैंने क्या 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 गलतियां की उसके बाद मैंने ऑफिस में जाके कंपनी के ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए फिर मैंने एक लिस्ट बनाई अपनी अपलाइन के साथ और मैंने उसके बाद 20 गेस्ट इंट्रोड्यूस किए और दोस्तों अगले इन 20 गेस्ट में मुझे चार लोगों ने ज्वाइन किया और उन चार में से उन चार में से दो आज भी यहां बैठे हैं उन चार में से तो आज भी आप लोगों के बीच में बैठे हैं ये बात 1999 की हो रही है 16 साल से वो मेरे साथ हैं। उसके बाद मैं जब पीडी बना मैंने काउंसलिंग की चार से अगले ही महीने मैं ईडी बना जब मैं ईडी बना तो प्रिंसिपल ऑफ डुप्लीकेशन का फॉलो करते हुए मैंने अपने ही मोहल्ले में एक स्कूल में इवनिंग आवर्स में दो तीन घंटे के लिए स्कूल का एक कमरा बुक कर लिया और जैसे हमारी ई डी अपलाइन एक एक सेंटर चलाती थी मैंने भी वो सेंटर शुरू कर लिया वहाँ मेरी डाउनलाइन में अब चूंकि पंद्रह सोलह लोग हो चुके थे मैं वो सारे कार्यक्रम वहां चलाने लग गया जो मेरी ईडी अपलाइन चलाती थी प्रिंसिपल ऑफ डुप्लीकेशन आप समझ रहे हैं ना और वहां वो सब कुछ होने लगा और यकीन मानिए सिर्फ चार महीने के अंदर मैं आरडी बन गया जब मैं चार महीने में आरडी बन गया मेरी सेल रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी हर महीने सेल डेढ़ गुना दो गुना डेढ़ गुना दो गुना लेकिन मेरे आरडी बनने के तीन चार महीने बाद मेरी सेल की ग्रोथ रुक गई मेरी सेल की ग्रोथ रुक गई मेरे नीचे प्रमोशन होने बंद हो गए मेरी सेल स्टेबल हो गई और एक दो महीने बाद उस सेल ने गिरना शुरू कर दिया जब सेल गिरी तो मेरे नीचे लोगों के प्रमोशन रुक गए उनके प्रमोशन रुके तो एक नेगेटिव एनवायरमेंट तैयार होना शुरू हो गया धीरे धीरे सेल गिरती जा रही थी मेरे नेटवर्क के अंदर छोटे छोटे ग्रुप बन गए जो नेगेटिव डिस्कशन करने लगे मेरी डाउनलाइन से जब मैं पूछता था कि गेस्ट क्यों नहीं आ रहे या जिन गेस्ट को आपने इंट्रोड्यूस किया उनकी सेल क्यों नहीं डल रही आपके नीचे रिटेल क्यों रख गई है आपकी होम शॉप में प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहे हैं तो मुझे तरह तरह के आंसर मिलते थे मुझे आंसर मिले कि हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी में हैं वो प्रोडक्ट लोगों को चाहिए ही नहीं हमारा बिजनेस प्लान अच्छा नहीं है उसके अंदर कमीशन कम बढ़ता है जितने तरह के कारण हो सकते थे वो डाउनलाइन से मुझे मिलने लगे मैं उन कारणों को लेकर अपलाइन के पास गया अपलाइन मुझे सिर्फ एक सवाल पूछती थी सिर्फ एक सवाल कि पूरी कंपनी में सेल हो रही है तुम्हारे नेटवर्क में नहीं हो रही है उनको ये प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है तुम्हें क्यों दिखाई दे रही हैं शुरू में मैं अपनी डाउनलाइन को जाके समझाता रहा लेकिन बाद में मुझे लगा मेरी डाउनलाइन ही ठीक कह रही है और मैं भी कंपनी से नेगेटिव होने लग गया तभी वो डिस्कशन डाउनलाइन के डाउनलाइन के साथ नेगेटिव डिस्कशन में मैं भी इन्वॉल्व हो गया इसका अंजाम ये हुआ कि मेरे नेटवर्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट के दूसरी कंपनी में चला गया जिससे रहा सहा मोटिवेशन भी मेरी डाउनलाइन में खत्म हो गया और कुल मिला के पूरा नेटवर्क को कर गया और सिर्फ तीन चार लोगों को छोड़ के मेरे नेटवर्क में सब खत्म मैं जीरो पे आ गया जब मैं जीरो पे आ गया तो मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला गया मैंने फिर से कंक्लूजन निकाला कंक्लूजन ये था कि डायरेक्ट मार्केटिंग एक स्टेबल बिजनेस नहीं है यहां पे कभी चेक आता है कभी नहीं आता है कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है यह बिजनेस अच्छा नहीं है मुझे वापस अपनी ट्यूशन पढ़ाना शुरू करना चाहिए इस काम को छोड़ देना चाहिए मैं इस कश्मकश में था कि मैं छोड़ दूं लेकिन चार पांच लोग अभी भी ऐसे थे जो मुझ पे भरोसा रख के बैठे हुए थे जिनकी वजह से मैं काम छोड़ नहीं पा रहा था तभी उन दिनों हमारी एक अपलाइन बॉम्बे से दिल्ली आई मैं उनके साथ बैठा मैंने उनको सब बताया कि मेरा ऐसे नेटवर्क सारा क्लैप्स कर गया और मैंने उन्हें बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि ये ये वजह थी कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे नहीं थे बिजनेस प्लान अच्छा नहीं था ये नहीं था वो नहीं था जिस वजह से मेरा नेटवर्क बैठ गया तो मुझे आज भी याद है उन्होंने सिर्फ मुझे दो लाइनें कही थी कहते हैं अकलमंद को इशारा काफी उन्होंने कहा देखो पहला पॉइंट यह है कि बाकी कंपनी में सभी लोगों की सेल हो रही है कि नहीं हो रही है मैं कहा हो रही है तो उन्होंने कहा कि अगर आप सफल होते हैं तो उसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं लेकिन अगर आप फेल होते हैं तो उसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको पूरी ईमानदारी से वो कारण बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ ढूंढने चाहिए और ढूंढने के बाद उन्हें ठीक करना चाहिए और दोबारा प्रयास करना चाहिए और तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक आपकी मंजिल आपको मिल ना जाए मैंने इस बात को समझा उन्होंने कहा कि अपनी कमियां ढूंढना सबसे मुश्किल काम है अगर तुम ये मुश्किल पार कर गए तो सफलता तुम्हारे कदमों में होगी फिर आपने वो सुना है ना गिरते हैं शेर सवार ही मैदान जंग में वो तिफ क्या जो घुटनों के बल चले तो हमने उस दिन डिसाइड किया दोस्तों अपने चार साथियों के साथ कि जंग दोबारा शुरू होगी और वो जंग दोबारा शुरू हुई जिसका नतीजा है कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूं हमने फिर जीरो से शुरू किया और जानते हैं इस शुरुआत में मेरे साथ कौन था सिर्फ तीन लोग एक सरबजीत सिंह एक संजय वर्मा और तीसरा मेरा भाई सीएम हांडा जो आज यहां नहीं बैठे हैं ये मैं अपनी कहानी बता रहा हूं आपको हम तीनों ने मिलकर ठाना के फिर से शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले एक काम करना बहुत जरूरी था वो काम था अंतर्मुखी होने का पहले उन सभी गलतियों का पता लगाने का जिसकी वजह से पहले हमारा नेटवर्क कोलैप्स कर गया था मैं आज आपके साथ ये कहानी इसलिए शेयर कर रहा हूं कि अगर मेरी इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिल जाए तो यह बारहवीं वर्षगांठ सफल हो जाएगी तो क्या आप जानने को तैयार हैं कि वो क्या गलतियां थी जो हमने की थी मैंने ध्यान से अपने रिकॉर्ड्स को खंगाला अच्छी बात यह थी कि मैं अपने नेटवर्क का पूरा रिकॉर्ड रखता था कितने नए लोग ज्वाइन हुए कितने गेस्ट आए कितनी रिटेल हुई कितनी सेल हुई वो सब मेरे रजिस्टर में दर्ज रहता था मैंने ध्यान से देखना शुरू किया कि हमारे गेस्ट आने कब कम शुरू हुए जिन जिन नेटवर्क के अंदर गेस्ट कम आए उन लोगों से बात की तो समझ में आया एक ही बात समझ में आई सारे कंक्लूजन को बता रहा हूं आपको जिस किसी के नेटवर्क के अंदर नया ब्लड इग्नोर होगा नया ब्लड कौन न्यू डिस्ट्रीब्यूटर वो नेटवर्क क्लॉप्स कर जाएगा वो नेटवर्क कोलैप्स कर जाएगा जिस प्रकार का ट्रीटमेंट एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को मिलना चाहिए जब किसी नेटवर्क में वो नए डिस्ट्रीब्यूटर को मिलना बंद हो जाता है तो वो नेटवर्क कोलैप्स हो जाता है आपको याद है मैंने आपको अपनी कहानी में बताया था कि मैंने 40 गेस्ट इंट्रोड्यूस किए थे ऑलमोस्ट मैंने बिजनेस तभी छोड़ दिया था अगर उस वक्त मेरी अपलाइन ने मेरा हाथ ना पकड़ा होता तो डायरेक्ट मार्केटिंग की तारीख में चेतन हांडा कोई नाम नहीं होता ऐसा नहीं था कि मेरे पास काबलियत नहीं थी मगर इस काबलियत को किसी काबिल हाथ ने अगर पकड़ा ना होता तो यह काबलियत कब की दफन हो गई होती तो आपके नेटवर्क में जब कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है अगर उसे वो सब नहीं मिलता जो उसे मिलना चाहिए वजह कुछ भी हो तो वो नेटवर्क कलेप्स कर जाते हैं एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को क्या मिलना चाहिए सबसे पहले एक अपलाइन कम से कम एक अपलाइन जो उसका हाथ पकड़ सके जो उसको पकड़ पकड़ के ले जा सके वो एक छोटे बच्चे की तरह होता है एक्साइटेड होता है गलतियां करने पे उतारू होता है वो बाहर भी बात करेगा कोई हाथ पकड़ के उसे सब कुछ सिखाए कोई हाथ पकड़ के उसे हर ट्रेनिंग क्लास में लेके जाए क्योंकि वो नया है उसे नहीं मालूम क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है वो अधूरा ज्ञानी है एक ऐसा माहौल चाहिए उसको जहाँ कोई उसके कंधे पे हाथ रख के बोले कि हम तेरे साथ हैं उसे टीम चाहिए उसे साथी चाहिए उसे दोस्त चाहिए उसे माहौल चाहिए उसे एजुकेशन चाहिए उसे ट्रेनिंग चाहिए उसे मोटिवेशन चाहिए उसे उदाहरण चाहिए उसे वो लीडर चाहिए जिनको देख के वो कह सके कि मुझे तुम्हारे जैसा बनना है उसे प्रेरणा चाहिए जिस डिस्ट्रीब्यूटर को यह सब नहीं मिलेगा हो सकता है वह चेतन हांडा हो हो सकता है वह सरबजीत हो हो सकता है वो जनार्दन हो हो सकता है वो गोप हो लेकिन वह घर बैठ जाएगा एक ऐसा पोटेंशियल आपके पास से निकल जाएगा जो आपको अरबपति बना सकता था तो मेरे से यही गलती हुई थी और ये गलती कैसे हुई वो भी समझाता हूं मेरी शुरुआत अच्छी थी मैंने अपनी अपलाइन को डुप्लीकेट किया लेकिन मेरे से क्या गलती हुई कि जिस अनुपात में मेरी सेल बढ़ी उस अनुपात में मेरे लीडर नहीं बढ़े उस अनुपात में कैपेबल लोग नहीं बढ़े और वो क्यों नहीं बढ़े मैं बताता हूं आपको वो इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि मैंने दूसरों का काम खुद करना शुरू कर दिया मैंने वो जो स्कूल का कमरा लिया था वही मेरे ग्रोथ का कारण बना और वही मेरे पतन का कारण भी बना कैसे मेरी ग्रोथ का कारण बना और कैसे मेरे पतन का कारण बना ध्यान से सुनना जब मैं पीढ़ी बना पीडी बनने के बाद मैंने मैं सीडी से बताता हूं जब मैं सीडी था और जब मैंने साठ गेस्ट इंट्रोड्यूस किए चालीस में तो मैं गलतियां करता रहा जो बाद के मैंने बीस गेस्ट इंट्रोड्यूस किए जब मैं ट्रेनिंग ले चुका था तो मुझे समझ में आया कि थियोरटिकल ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो मुझे मेरी अपलाइन ने ही सिखाया था और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैदान में, में मिलती है कमरों में नहीं यकीन मानिए दोस्तों जिस समय मैं सीडी से पीडी की तरफ जा रहा था मैंने ऑफिस के अंदर लगभग हर लीडर का काउंसलिंग सेशन उसके साथ खड़े होकर अटेंड किया मैंने सीखा कि गेस्ट किस प्रकार के सवाल पूछते हैं उनके कैसे जवाब दिए जाते हैं मैंने सीखा काउंसलिंग कैसे की जाती है मैंने सीखा बिजनेस प्लान कैसे दिया जाता है मैंने सीखा एक एक प्रोडक्ट की बारीकी को मैंने समझा एक एक प्रोडक्ट को उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण मैंने अपने प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करना शुरू किया मेरे घर के अंदर मैंने अपने प्रोडक्ट लगाए एक एक प्रोडक्ट को जब मैंने इस्तेमाल किया उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा प्रोडक्ट की बारीकियाँ समझी बिजनेस प्लान समझा कंपनी को समझा जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आकाश में था और जब मैं पीढ़ी बना तो मैंने अपनी डाउनलाइन का चार्ज अपने हाथ में ले लिया यहां तक सब ठीक था गड़बड़ इसके बाद हुई चूंकि मैंने अच्छी ट्रेनिंग ली थी तो मुझे, मुझे 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 ये भरोसा था कि मैं सबसे अच्छी काउंसलिंग करता हूँ मुझे यह भरोसा था कि मैं सबसे अच्छी क्लोजिंग करता हूँ मुझे यह भरोसा था कि मैं सबसे अच्छा गेस्ट के क्वेश्चन के आंसर देता हूं और मैं दूसरों पे भरोसा करना बंद कर चुका था मेरी डाउनलाइन में जो भी गेस्ट आता मैं क्लोजिंग करता मैंने किसी को और आगे आने ही नहीं दिया गेस्ट बढ़ते गए सेल बढ़ती गई मैंने उसके लिए क्या किया मास क्लोजिंग करनी शुरू कर दी क्योंकि मैं अकेला आदमी क्या क्या करूंगा मैंने उसी कमरे के अंदर एक वाइट बोर्ड लगा दिया सबको बोला अपने गेस्ट को शाम को लाना कट्ठे क्लोजिंग कर दूंगा और मैं करता था और उसके रिजल्ट भी आते थे लेकिन क्लासरूम तो क्लासरूम होता था मैं ये ना समझ पाया कि एक दिन ये क्लासरूम छोटा पड़ जाएगा एक दिन ये मास क्लोजिंग काम नहीं आएगी धीरे धीरे गेस्ट बढ़ते गए सेल बढ़ती गई लोग बढ़ते गए चेतन हांडा पूरा ना पढ़ पाया उसके बाद जो लोग जिन्हें वक्त के साथ लीडर बनना चाहिए था वो पीडी जिसे चेतन हांडा का डुप्लीकेशन करना चाहिए था वो ईडी जो चेतन हांडा का डुप्लीकेशन करना चाहिए था वो सब खाली बैठे थे उन्हें कुछ करना आता ही नहीं था क्योंकि सब कुछ तो मैं कर रहा था उस नेटवर्क के अंदर जो वक्त के साथ जैसे जैसे सेल बढ़ रही थी जैसे जैसे, जैसे लोग बढ़ रहे थे उस अनुपात में जो लीडर बढ़ने चाहिए थे भरने बंद हो गए थे यह वजह बनी मेरे पतन की क्योंकि एक समय ऐसा आया जब गेस्ट आए मगर उन्हें देखने वाला कोई नहीं था जो देखने वाले थे वो जानते ही नहीं थे कि देखना कैसे है। हर व्यक्ति चाहता था कि मेरी क्लोजिंग चेतन सर करें क्योंकि वो अच्छी कर लेते हैं हर, हर व्यक्ति चाहता था मेरे गैस को चेतन आंडा देखे किसने किया था ये मैंने किया था मैंने किसी को नीचे लीडर बनने ही नहीं दिया ऐसा मैंने अनजाने में किया ऐसा मैंने जानबूझ के नहीं किया मैं देख नहीं पाया समझ नहीं पाया कि कल क्या हो सकता है मैं तो सबका भलाई करना चाहता था लेकिन आपने जाने में करी हो या अनजाने में करी हो गलती गलती होती है और उसका परिणाम आता है और वो परिणाम हमने भुगता है इस दुनिया में दो तो तरह के लोग होते हैं एक वो जो अपनी गलतियों से अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं इन्हें इंटेलिजेंट कहते हैं क्या कहते हैं इंटेलिजेंट मैं वो इंटेलिजेंट हूं दूसरी तरह के थैंक यू दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं और अपना नुकसान नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को जीनियस कहते हैं और वो जीनियस आप लोग हैं आपको मरने की जरूरत नहीं मेरी तरह आप मेरी गलतियों से सीख सकते हैं मैं पूरी ईमानदारी से आपको अपनी गलतियां बताऊंगा अगर आप इन गलतियों से बच गए तो मेरे कंक्लूजन फेल हो जाएंगे आप ऐसे बिजनेस के स्वामी बनेंगे जो स्टेबल होगा जिसमें चेक कभी नीचे नहीं आएगा जिसमें चेक सिर्फ ऊपर जाएगा और ऐसा एक साल नहीं सालों साल होगा क्योंकि यकीन मानो जब अपनी गलतियों को हमने समझा और उसके बाद ठीक किया तो मेरा चेक कभी 16 सालों में नीचे नहीं आया ऊपर गया <laughs> मैं आपको खाली यह नहीं बता रहा हूं हमने क्या गलतियां की मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन गलतियों को ठीक करने का तरीका क्या है तो क्या आप समझ पाए मैंने क्या गलती की थी एक लाइन में एक बात सिर्फ आप याद रखना जिस नेटवर्क में नया ब्लड इग्नोर होता है जिस नेटवर्क में नया डिस्ट्रीब्यूटर इग्नोर होता है उसका पतन शुरू हो जाता है तो काम करने की ऐसी व्यवस्था डिजाइन की जानी चाहिए काम करने का ऐसा तरीका अपनाया जाना चाहिए कि जिस अनुपात में सेल बढ़े उसी अनुपात में काबिल लीडर विकसित हों जो उन्हें संभाल सके अगर उस अनुपात में काबिल लीडर विकसित नहीं होंगे तो आपका वही हश्र होगा जो मेरा हुआ था मैं भाग्यशाली था कि मैं गिर के संभल गया मैं जानता हूं मेरे बहुत सारे नौजवान दोस्त गिर के संभलते भी नहीं चले जाते तो बात करें कि क्या करना होगा मैंने आपको हल बताया आपको लीडर विकसित करने की कला आनी चाहिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि महान लीडर होता कौन है वो किस मैं किन लोगों को बनाने की बात कर रहा हूं किस तरह के लोगों को बनाने की बात कर रहा हूं पहले आपको यह जानना होगा महान लीडर कौन होता है आराम से बैठ के सोचिए वो कौन सी अपलाइन है वो कौन सा लीडर है जिसके लिए आपके दिल में श्रद्धा है जिसके लिए आपके दिल में रिस्पेक्ट है जिसको आप अपना आइडियल मानते हैं जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं वो लीडर कौन है उसका ख्याल कीजिए एक मिनट के लिए और जब उसका ख्याल आए तो सोचिए कि आपको वो इतने पसंद क्यों हैं क्या कारण है कि वो लीडर आपका आदर्श है क्या कारण है कि वो आपको बहुत पसंद है जिन्हें मैं पसंद करता था मैं आपको उनके गुणों का बखान करता हूं और उसके बाद देखना अपने अंदर झांकना अपने आप से पूछना कि इन गुणों में आपके पास कौन कौन से गुण हैं पहला सवाल अपने आप से उसके बाद हम आगे चलेंगे लीडर के अंदर पहली बात लीडर अपने लिए नहीं होता लीडर दूसरों के लिए होता है बॉस अपने लिए होता है बॉस दूसरों के लिए नहीं होता लेकिन लीडर वो होता है जो दूसरों के लिए होता है लीडर वो होता है जिसमें अपार ऊर्जा होती है लीडर वो होता है जिसमें अपार ऊर्जा होती है कि मायूस से मायूस व्यक्ति भी जब उसको छू ले तो उसकी मायूसी छू मंतर हो जाए लीडर उसको कहते हैं लीडर वो होता है जिसके पास पॉजिटिव नजरिया होता है जो हर बात में पॉजिटिव ढूंढता है लीडर वो होता है जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है लीडर वो होता है जिसके शरीर में जिसकी बॉडी लैंग्वेज में बिजलियां दौड़ती हैं ये लीडर वो होता है जिसके जिसमें आत्मविश्वास भरा होता है जिसका पहनावा आपको इंप्रेस करता है जो ईमानदार होता है जो आदर्श होता है जो ऊंचे चरित्र का स्वामी होता है जो पक्षपात नहीं करता जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार खड़ा मिलता है लीडर वो होता है लीडर वो होता है जो ज्ञान से भरपूर होता है जिसके पास हर समस्या का सोल्यूशन होता है वो समस्या फैलाता नहीं है वो समस्या का समाधान करता है लीडर वो होता है लीडर वो होता है जिसके पास कोई नेगेटिव डाउनलाइन भी जाए तो वो पॉजिटिव होके आती है लीडर वो होता है जो एक शानदार वक्ता होता है एक शानदार बोलने वाला होता है जो एक बड़े से बड़े हॉल में भी ऊर्जा पैदा कर दे लीडर वो होता है अपने आप से पूछिए कि क्या आप वो लीडर हैं क्या आप वो लीडर हैं जो आपकी डाउनलाइन के मन में संभावनाएं जगाते हों क्या आप वो लीडर हैं जो अपनी डाउनलाइन के मन में ऊर्जा जगाते हों क्या आप वो लीडर हैं जो अपनी डाउनलाइन से बेस्ट परफॉर्म करवाते हैं क्या आप वो लीडर हैं जो लोगों की क्षमताओं से ज़्यादा उनसे कुछ करवा के दिखाते हैं कि आप वो लीडर हैं जो लोगों में ये विश्वास पैदा कर देते हैं कि तुम कर सकते हो तुम कर सकते हो और तुम कर डालोगे क्या आप वो लीडर हैं क्या वो लीडर हैं ये आपकी राय है अपने बारे में अच्छी बात है लेकिन ये राय आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स आपकी डाउनलाइन की आपके बारे में होनी चाहिए और आपको उनसे पता जरूर करना चाहिए कि वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं और जब पता चल जाए तो जो चीजों पे आप पूरे हैं उन पे इत्मीनान कीजिए लेकिन जिन पे अधूरे हैं उन पे काम कीजिए मैंने आपसे कहा कि जिस अनुपात में सेल बढ़ती है उस अनुपात में लीडर बनने चाहिए लीडर बनना कोई रातों रात का खेल नहीं है लीडर श्रृंखलाबद्ध तरीके से विकसित होते हैं और लीडर बनने की शुरुआत बता सकते हैं कहां से होती है आप में से कोई लीडर बनने की शुरुआत कहां से होती है आप में से कोई बताएगा बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक डी लेवल से होती है जो दर्द में जिया ही नहीं उस दर्द का हल क्या करूं जो दर्द में जिया ही नहीं उस दर्द का मैं हल क्या करूं तो लीडरशिप सीडी लेवल से शुरू होती है अगर आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क के अंदर सेल के अनुपात में लीडर बढ़े तो कुछ नहीं करना है सिर्फ कंपनी के सिस्टम को ठीक से फॉलो करना है जब जब आप किसी चेतन हांडा की तरह अपना दिमाग लगाएंगे तब तब आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर डालेंगे सोच के देखेगा मैं अब आपको एक सीडी की यात्रा बताता हूँ सीडी से आरडी तक और देखेंगे कि अरे ये तो कमाल का लीडर बन गया चले एक सीडी की यात्रा करते हैं सीडी से आरडी तक चले ओके okay. एक व्यक्ति जो जब पहले दिन गेस्ट बनकर हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में आता है उस दिन उसकी यात्रा शुरू हो जाती है और सबसे ज्यादा वो इसी यात्रा में सीखता है क्या सही है या क्या गलत है उसे किस प्रकार से बुलाया गया क्या कह के बुलाया गया अगर उसमें एथिक्स नहीं होंगे ईमानदारी नहीं होगी तो पहले ही दिन आपने एक लीडर का एक भावी लीडर का चरित्र का हनन कर दिया तो सबसे पहले जब उसे बुलाया जाए तो उसमें ईमानदारी और ऊंचा चरित्र झलकना चाहिए किसी किस्म की मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की गलत बात नहीं कही जानी चाहिए कोई झूठ नहीं होना चाहिए कोई फरेब नहीं होना चाहिए ईमानदारी से सब कुछ कहा जाना चाहिए क्योंकि वो कल आपका भावी लीडर है झूठ की बुनियाद पे लीडर नहीं बना करते हैं उसके बाद जब वो बिजनेस प्रेजेंटेशन देखता है कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं उसके बाद जब वो सीढ़ी बनता है जिस दिन वो सीढ़ी बनेगा उसकी लीडरशिप की यात्रा शुरू हो जाएगी जब वो गेस्ट को इंट्रोड्यूस करेगा गेस्ट उसे क्या बोलेंगे कौन से रिजेक्शन वो फेस करेगा किस किस प्रकार की वो ना सुनेगा किस किस तरह से वो हाँ पे पहुंचेगा किन किन सवालों के वो जवाब देगा जब वो वन टू वन लोगों से बात कर रहा होता है उसकी लीडरशिप निखरना शुरू होती है सीढ़ी लेवल पर जब वो रिटेल शॉप चलाता है जब वो प्रोडक्ट बेचता है जब प्रोडक्ट की खूबियां बताता है जब वो प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन देता है जब वो प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करता है तो उसके अंदर एक लीडर पनप रहा होता है जब वो लोगों को कारण बताता है कि क्यों मेरा प्रोडक्ट किसी और से बेहतर है उसके अंदर लीडर पनप रहा होता है उसे कहने दीजिए ये उसकी बारी है उसकी जगह आप मत कहिए उसे सिखाइए उसे ट्रेन कीजिए उसे बोलने दीजिए जब वो व्यक्ति सी लेवल पर होता है जब वो ट्रेनिंग अटेंड करता है एजुकेशन अटेंड करता है जब वो उस कमरे पे जाता है वो कमरा गलत नहीं था मेरा तरीका गलत था जिस रूम को मैंने लिया था वो रूम गलत नहीं था वो तो एक जगह थी उस जगह पे हो क्या रहा था वो गलत था आप जानते हैं जो एडी लेवल पर इस तरह के रूम बनाए जाते हैं उन्हें ऊर्जा केंद्र कहते हैं हम फायर स्टेशन क्योंकि वहां पे ऊर्जा का ऐसा प्रभाव होता है कि नेगेटिव से नेगेटिव मायूस से मायूस डिस्ट्रीब्यूटर भी चार्ज हो जाता है तो ऐसे सेंटर बनाने चाहिए ईडी लेवल पे ऐसे काम किए जाने चाहिए लेकिन वहां होना क्या चाहिए वहां पर एक सी को मौका दिया ना चाहिए अपने अनुभव शेयर करो कैसे अनुभव आपको आपने गेस्ट को इनवाइट किया गेस्ट ने क्या बोला आपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा जब वो पंद्रह सोलह लोगों के बीच में बोलता है आधा कच्चा आधा पक्का धीरे धीरे उसकी लीडरशिप का विकास होता है एक पीढ़ी जब ये शेयर करता है वहां पे अनुभव दिस बिजनेस मैं एक लाइन में एक बात बोलता हूँ वट इज दिस बिजनेस दिस बिजनेस इज शेयरिंग 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 ये बिजनेस सिर्फ अनुभव बांटने का बिजनेस है क्योंकि ये प्रैक्टिकल बिजनेस है आप मेरी इस क्लास में थियोटिकल बातें सीख लेंगे लेकिन प्रैक्टिकली जो सीखना होता है वो अनुभव से सीखा जाता है ऐसे कमरों में सीडी को पीडी को ईडी को अपने अनुभव शेयर करने चाहिए हर बात के अनुभव शेयर करने चाहिए खट्टे मीठे हंसी मजाक सब शेयर करने चाहिए एक शानदार ऊर्जा का माहौल होना चाहिए तो जब एक सीडी बनता है तो एक सीडी प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेता है एक सीडी एजुकेशन ट्रेनिंग लेता है एक सीडी काउंसलिंग की ट्रेनिंग लेता है सीडी को जो जो लोग भी काउंसलिंग कर रहे होते हैं उनके साथ खड़े होना चाहिए जाके गेस्ट के सवाल क्या हैं सुनने चाहिए उनकी अपलाइन उन सवालों के क्या जवाब दे रही है सुनने चाहिए उनको नोट्स बनाने चाहिए उसके अलावा काउंसलिंग के ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने चाहिए उन्हें देखना चाहिए कि उनकी अपलाइन कैसे प्रोडक्ट के बारे में बातें कर रही है प्रोडक्ट की खूबियों को कैसे बताया जा रहा है गैस के क्या सवाल हैं, उनके कैसे जवाब दिए जा रहे हैं ये सारे सीडीज को सीखने चाहिए उसके बाद आप पीडी बन जाते हैं पीडी बनते ही आपकी लीडरशिप का पहला स्टेप तैयार होता है पहला स्टेप क्या है लीडरशिप का जब आप अपने डाउनलाइन के लिए बोलना शुरू करते हैं पीडी के पास छोटी सी एक टीम है उसकी लीडरशिप काउंसलिंग से शुरू होती है वो अपने डाउनलाइन के लिए काउंसलिंग करना शुरू करता है क्लोजिंग करना शुरू करता है लेकिन जिस दिन वो पीडी बना यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि पीडी बनने से पहले क्या वो इतना काबिल हो चुका है कि वो अपनी डाउनलाइन के गैस की क्लोजिंग कर सके अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आपको यह सुनिश्चित करना है कि क्या वो अपनी डाउनलाइन की क्लोजिंग में डाउन की करने में सक्षम है क्या अपनी डाउनलाइन के गेस्ट की काउंसलिंग करने में सक्षम है क्या प्रोडक्ट की जानकारी देने में सक्षम है अगर सक्षम नहीं है तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे आप हैं खुद करने लग जाएंगे यस यस उसको सक्षम बनाएंगे चेतन हांडा की तरह खुद मत करने लग जाना तो ये आपका विजन होना चाहिए कि आप अपने नेटवर्क में ऐसी व्यवस्था कायम करें कि जो काम जिसका है वो काम वो करे और इसके लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है तो उठाइए यकीन मानिए ये जोखिम छोटा है उस जोखिम से जो मैंने उठा लिया था ये नुकसान छोटा है उस नुकसान से जो मेरा हो गया था पूरा डेढ़ साल पीछे चला गया था मैं डेढ़ क्या दो साल और दो साल से भी जरूरी था ना जाने कितने डिस्ट्रीब्यूटर जो डायमंड बन सकते थे वो उस रेस में छूट गए हमारी गलतियों की बहुत बड़ी सजा हमें भुगतनी पड़ती है तो इसलिए लोगों को सक्षम बनाएं। आपको मालूम है एक और बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं एक और चीज है जिससे आपको निकल के बाहर आना है हम लोगों की ईगो इस बिजनेस में नहीं चाहिए हम अपने नीचे लीडर तो डेवलप करना चाहते हैं लेकिन अपने नीचे हम चाहते हैं कि जो लीडर बने पर वो रहे थोड़ा सा नीचे लेकिन इस बिजनेस में जानते हो क्या होना चाहिए मैं भगवान से दुआ मांगता हूं आपको हाजिर नाजिर जान के बोलता हूं भगवान करे कि मेरे नीचे मुझसे सौ गुना बेहतर लीडर आए मुझसे सौ गुना बेहतर लीडर आए जानते हैं क्यों क्योंकि तभी मुझे दो चीजें मिलेंगी कौन सी दो चीजें मनी फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम मैं चाहता हूं मेरा नेटवर्क काबिल लोग चलाएं मैं ये नहीं चाहता मेरा नेटवर्क मुझसे कम क्षमता वाले लोग चलाएं। अगर आप एक बार विचार करके देखिए कि यह सिलसिला शुरू हो जाए चेतन हांडा ने नीचे चार लीडर विकसित किए मान लो मैं 100 प्रतिशत एक लीडर हूं समझाने के लिए बोल रहा हूं मैंने 80 प्रतिशत लीडर तैयार कर दिए कि भाई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट रहनी चाहिए दे शुड बी लीडर बट एट एटी परसेंट लेवल बिजनेस क्या है हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है जैसा मैंने सोचा वो भी ऐसा ही सोचेंगे उसके बाद उन्होंने भी चार लीडर तय किए मगर उन्होंने अपने नीचे 80 प्रतिशत डाउन कर डाले यानी मेरे हिसाब से वो 60 परसेंट नीचे हो गए धीरे धीरे लीडर्स की क्वालिटी जैसे जैसे नीचे जाएंगे घटती जाएगी और उसके बाद वही होगा जो मेरे नेटवर्क का हुआ क्योंकि ये सेम बात है आपके यहां आने वाले नए ब्लड को वो अच्छे लीडर मिले ही नहीं क्योंकि आप उन लीडर्स को विकसित करने में कंजूसी दिखा गए तो इसलिए जब आप अपने नीचे लीडर विकसित करते हैं तो उनको नीचे नहीं अपने साथ विकसित कीजिए इसलिए ये लाइन गलत है कि अपने नीचे लीडर विकसित करो इसकी जगह ये लाइन बनाओ कि अपने लीडर्स की टीम बनाओ क्या बनाओ टीम जो आपके साथ खड़े हो सके जो आपके बगल में खड़े हो सके जो आपके बिल्कुल साथ हो जब आपकी डाउनलाइन उस टीम को देखे तो वो फर्क ना कर पाए वो ये कहे अरे ये तो सारे के सारे स्टार हैं किसी को भी पकड़ लो एक जैसे एक जैसी बात बोलते हैं एक जैसा सोचते हैं एक जैसे आंसर होते हैं एक जैसा हुनर है इन सब में ऐसी टीम का गठन करो सब के सब सौ परसेंट कोई निन्यानवे परसेंट नहीं चाहिए तो पीडी लेवल पे पीडी लेवल पर आप काउंसलिंग शुरू करते हैं वो आपकी लीडरशिप का पहला कदम है अगर मैं आपकी जगह पर आकर बात करूं आप किस लेवल पे हैं? आरडी डीडी या जीडीडी? डी आपके लिए मेरा एक स्टेटमेंट होगा एक वर्ड याद रखिए लीडर की खोज अगर आप बड़े नेटवर्क का स्वामी बनना चाहते हैं तो आपको लीडर की खोज करने चाहिए लीडर दो तरह के होते हैं एक जो नॉर्मल प्रैक्टिस में अच्छे लीडर बन जाते हैं एक ऐसे लीडर भी होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्रिजमेटिक पर्सनैलिटी होते हैं जिनमें कुछ खास बात होती है ऐसे लीडर पर आप लोगों की नजर रहनी चाहिए नीचे पीडी लेवल पे काउंसलिंग हो रही है ऐसे लीडर की खोज आपको करनी चाहिए और उनको विकसित करना चाहिए उनको पोषित करना चाहिए और अपनी बगल वाली सीट देनी चाहिए सवाल यह है कि ऐसे लीडर की खोज होगी कैसे आपने वो कार्यक्रम देखा आजकल टीवी में बहुत आता है जहाँ पे कलाकारों की खोज होती है अच्छे गायकों की खोज होती है देखा आपने अगर आपको अपने लीडर खोजने हो तो आप कहां जाएंगे कहा? यस अगर आपके नीचे ईडीज अलग अलग जगहों पर ऐसी व्यवस्थाएं चला रहे हैं जहाँ पीडी अपनी शेयरिंग कर रहा है जहां पीडी अपनी ट्रेनिंग दे रहा है जहां एडी अपनी शेयरिंग कर रहा है और आप उन जगहों पर विजिट करेंगे अगर आप उन जगहों पर अपने मोटिवेशनल लेक्चर देने जाएंगे जब आप उन्हें सुनने जाएंगे आपको अपने आप दिख जाएगा कि इनमें चमत्कारी बालक कौन कौन है कहते हैं ना होन हार बलवान के देख हो तो चिकने बात पालने में दिख जाते हैं तो ऐसे लीडर्स की खोज की जानी चाहिए और ऐसे क्रिजमेटिक लीडर्स की आपको लगातार टीम बढ़ानी चाहिए उनको अपने बगल में जगह देनी चाहिए फिर से बोल रहा हूं जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ती जा रही है उसी अनुपात में आपको लीडर बढ़ाने ये बात दिमाग में बिठा लीजिए अगर ऐसा होगा आप खुद सोच के देखिए कभी नहीं होगा कि आपकी सेल नीचे आ जाए कभी नहीं होगा आपका चेक नीचे आ जाए वो सिर्फ ऊपर 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 और ऊपर जाएगा तीसरी महत्वपूर्ण प्रमोशन है ईडी लेवल आपको एक बात याद होगी जब मैं अपनी शेयरिंग आपके साथ कर रहा था मैंने कहा कि मुझे अपनी गलतियों को ढूंढना था कि मेरा नेटवर्क कोलैप्स क्यों हुआ हु? बताएंगे मैंने कैसे ढूंढा कैसे मैंने पता लगाया कि मेरी क्या गलतियां हैं? मैं बता चुका हूं आपको क्या किया था मैंने अपने रिकॉर्ड्स चेक किए थे अगर मैंने रिकॉर्ड्स नहीं बनाए होते अगर मैं रजिस्टर में नहीं लिखता होता अगर मैंने जानकारियां नहीं लिखी होती तो मैं कभी उस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाता कि आखिर गलती हुई कहां ईडी लेवल एक ऐसा लेवल है जहां पर आपको अपनी डाउनलाइन के रिकॉर्ड्स रखने चाहिए हालांकि पीडी को भी रखने चाहिए पर ईडी को कंपलसरी रखने चाहिए ईडी एक सेमी लेवल का लीडर होता है जहां भी प्रेजेंटेशन चल रही है ईडी के पास अपना रजिस्टर होना चाहिए जितने गेस्ट आ रहे हैं किसने इंट्रोड्यूस किया उन गेस्ट की डिटेल उसको लिखनी चाहिए कितनी सेल हुई उसको लिखनी चाहिए कितना रिटेल हुआ उसको लिखना चाहिए इनके बधे बधाए फॉर्मेट है किताबों में दिए हुए हैं आपको सिर्फ बनाने और लिखने आपकी नजर हमेशा रहनी चाहिए कि आपका सेल वर्सेस गेस्ट का रेशो क्या है कितने गेस्ट आ रहे हैं कितनी सेल हो रही है अगर यह रेशो ज्यादा हो गया तो इसका मतलब आपको सोचना चाहिए कोई गड़बड़ है या तो कोल्ड मार्केट में काम हो रहा है या अप्रोच में गड़बड़ है या कुछ और गड़बड़ है उसके लिए अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस किया जाए लेकिन यह तभी आप पता लगा पाएंगे जब आपकी नजर रहेगी कि गेस्ट और सेल का रेशो क्या है कितने गेस्ट पे कितनी सेल हो रही है और आपको क्या रिकॉर्ड रखना चाहिए आपको रिकॉर्ड रखना चाहिए कि आपके यहां सेल की ग्रोथ क्या है अगर एक लिमिट से ज्यादा ग्रोथ हो गई है तो वो भी ध्यान देने की जरूरत है एक लिमिट से कम ग्रोथ हुई है तो भी ध्यान देने की जरूरत है कि कोई ना कोई कारण अवश्य है अगर एक लिमिट से ज्यादा ग्रोथ हो गई है तो आपकी पत्ती जल जानी चाहिए कि अरे भाई ज्यादा लीडर चाहिए ज्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ज्यादा पीढ़ी चाहिए इसलिए रिकॉर्ड्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिकॉर्ड्स ये रिकॉर्ड्स आपको अपनी अपलाइन एसडी के साथ लगातार डिस्कस करने चाहिए ईडी को अपने गोल बनाने चाहिए डाउनलाइन की मीटिंग पहली तारीख को लेनी चाहिए और उनके गोल निर्धारित करने चाहिए लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए आपकी डाउनलाइन में टीम वर्क की जिम्मेदारी भी ईडी की होती है, ये सारी की होने के गुण है। एक ईडी लेवल पर अपनी डाउनलाइन को साथ लेके कैसे चला जाता है ये एक लीडर सीखता है एक ईडी लेवल पर डाउनलाइन के एक एक स्टेप पर नजर रखने की कला ईडी लेवल पर आप सीखते हैं ईडी लेवल पर आप रिपोर्ट्स निकालना सीखते हैं ईडी लेवल पर आप एनालिस्ट बन जाते हैं ईडी लेवल पर आप बीमारियां पकड़ना सीख जाते हैं ईडी लेवल पर आप अपनी बीमारियों का इलाज अपने डाउनलाइन को बताते हैं ईडी लेवल पर आप लीडरशिप के सेमी लेवल पे पहुंचते हैं अगर ईडी लेवल पर आप जो जो करना होता है करेंगे तो धीरे-धीरे आप महान लीडर की तरफ अपने आप बढ़ते जाएंगे महान लीडर की मैंने आपको एक लक्षण बताया था कि महान लीडर हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहते हैं महान लीडर देने की कला जानता है ये बिजनेस दोस्तों देने का है लेने का नहीं है जब जब इस बिजनेस में आप लेने की सोचेंगे आपको कुछ नहीं देगा इस बिजनेस की एक कमाल की क्वालिटी है क्या क्वालिटी है आप दूसरों की जिंदगी बनाइए आपकी अपने आप बन जाएगी तो महान लीडर हमेशा अपनी डाउनलाइन के प्रमोशन की बात करते हैं दे नेवर टॉक अबाउट देर ओन प्रमोशन वो कभी अपने प्रमोशन की बात नहीं करते प्रमोशन अपना ना होता हो ना हो लेकिन वो डाउनलाइन के प्रमोशन के लिए जान लड़ा देते हैं ईडी लेवल पर यह सीखने की आवश्यकता है वो गोल बनाते हैं तो ये नहीं कहते कि मुझे एस बनना है वो ये कहते हैं कि मेरे नीचे जितने पीढ़ी हैं इनको ईडी बनाना है वो जब गोल बनाते हैं तो अपना गोल नहीं बनाते अपनी डाउनलाइन के लिए गोल बनाते हैं ऐसा लीडर आपको तैयार करना चाहिए ऐसा माहौल आपको तैयार करना चाहिए एस डी लेवल पर जब आप पहुंचते हैं तो आप मास प्रेजेंटेशन कंडक्ट करते हैं दो चार एस डी मिलकर मास प्रेजेंटेशन कंडक्ट करते हैं वहाँ पे शेयरिंग करते हैं पूरा का पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पर ये लीडरशिप का अगला गुण आपके अंदर आता है कि ऐसे फंक्शन को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है किस प्रकार की समस्याएं आती हैं किन लोगों से मिलना होता है इतने बड़े फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए इससे आपके अंदर मैनेजमेंट की फीलिंग आती है कॉन्फिडेंस आता है आप एक अच्छे वक्ता बनते हैं आप अच्छे बोलने वाले बनते हैं क्योंकि इतनी सारी पब्लिक को आप एक साथ फेस करने लग गए हैं मैंने आपसे बोला कि अगर एक व्यक्ति जो कभी स्टेज पर चढ़ा नहीं और उसको मैं बोलूं कि यहां पर आगे भाषण दो लाते कांप जाएंगे अगर मैं आपको लगता है कि थोड़ा सा अच्छा बोल पा रहा हूं, तो मैं आपको ईमानदारी से एक बात कहता हूं। यहाँ पे कुछ लोग जैसे मेरा दोस्त संजीव छिब्बर इस बात को अच्छे से जानता है क्योंकि वो उस बात का गवाह है कि जब मैं पहली बार शेयरिंग करने चढ़ा था तो मेरी जबान लड़खड़ा गई थी मैं अपना नाम ठीक से बोल नहीं पाया था मैं कोई बॉर्न लीडर नहीं हूं मैं कोई बॉर्न वक्ता नहीं हूं मैं कोई पैदाशी वक्ता नहीं हूं मुझे इसी भूमि ने वक्ता बनाया है और आपको भी बनाएगी मेरी गारंटी आपसे लेकिन ये सिलसिला सीडी लेवल पे शुरू हो जाता है इसलिए मैंने बोला कि ग्लेज में वो दम है कि लोगों की जिंदगी बदल सकता है तो एसडी लेवल पर एक एसडी का काम होता है कि डाउनलाइन को सम्मानित करना जिन डाउनलाइन ने कुछ कर गुजरा है उनको सम्मानित करना जिन डाउनलाइन ने अच्छा किया है उनकी तारीफ करना उनको स्टेज पे बुलाना ऐसे फंक्शन ऑर्गेनाइज करना जैसे कि अचीवमेंट डे महीने में कम से कम एक बार करना चाहिए और यह जिम्मेदारी एस लेवल पे होती है एस को भी सारे रिकॉर्ड्स रखने चाहिए एस को अपनी ईडी के संपर्क में रहना चाहिए उसे लगातार उसका रजिस्टर चेक करना चाहिए उसे चेक करना चाहिए कि किन जगहों पे गैस सेल रेशों में दिक्कत है किन जगहों पे गैस कम आने शुरू हो गए हैं ताकि जाके पता किया जाए क्या वहां ये वाली बीमारी तो नहीं लग गई कि लीडर ना विकसित हो रहे हो किसी ने चेतन हांडा की तरह कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर दिया वहां पर यह सब काम एस करता है और आर डी आर डी वो सब करता है जो एस डी करता है लेकिन आर डी मास लेबर पर ट्रेनर बन चुका होता है एस डी और आर डी ऑलमोस्ट सभी क्लासेस के ट्रेनर सर्टिफाइड ट्रेनर बन चुके होते हैं वो लोग वॉलेंटियर सर्विसेज करते हैं वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं आर डीज पैनल आर डीज को इनवाइट करते हैं कि मेरे मीटिंग के अंदर मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को मोटिवेट करो आर डीज लोगों के लिए एग्जाम्पल होते हैं आपका लाइफ स्टाइल उनके लिए एग्जाम्पल है आपके चेक उनके लिए एग्जाम्पल है आप उनके प्रेरणा स्रोत हैं क्योंकि आपने सफलता पाई है आपने सफलता पाई है वो आप जैसा बनना चाहते हैं आप लीडरशिप का फाइनल स्टेप हैं, आप लीडरशिप का फाइनल कदम है और डीडी और जीडी फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम और उसके साथ टाइम फ्रीडम के लिए लेकिन वो डीडी फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम कमा सकता है जो एक एक स्टेप पर नजर रखते हुए अपने आरडियो को विकसित करता है जो अपनी डाउनलाइन में सेल के अनुपात में लीडरशिप को विकसित करता है वही डायमंड और ग्लोबल डायमंड टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम, फ्रीडम को हासिल करता है दोस्तों आप सभी आरडी डीडी जीडीडी लेवल पर है मैं अच्छे से जानता हूं कि जो मेरे साथ हुआ कहीं ना कहीं कुछ लोग कुछ लोग यहां बैठे होंगे जिनके साथ यह सब हुआ होगा मैं आप लोगों के लिए फिर से एक शेर बोलता हूं गिरते हैं शेर सवार ही मैदान जंग में गिरते हैं शेर सवार ही। एक बार फिर से गिरते हैं शेर सवार ही वो तिफल क्या जो घुटनों के बल चले दोबारा उठिए खड़े हो जाइए अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए कोई बुराई नहीं है मैं भी कर रहा हूं यहां से आप भी कीजिए क्योंकि जब जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे तो सुधार की संभावनाएं बढ़ेंगी, सुधार की संभावनाएं जब बढ़ती हैं तो सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं और जरूरी अहम नहीं है जरूरी सफलता है अहम से कुछ नहीं होता सफलता से सपने पूरे होते हैं तो गो 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 थैंक यू वेरी मच थैंक्स लॉर्ड